जब सभी विपक्ष दल लोगों गिरा भाई नेताओं ने गजब कर दिया, खुल करके एक ही बात कही है। तो स्पष्ट कर ही दिया सर, बिहार में जो बैठक हो रहा है ये एक संकेत है, आगे जो है परिवर्तन होकर के रहेगा। परिवर्तन इसलिए जरूरी है क्योंकि जनता के जो मुद्दे भाई पकड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं जाएगा आगे। ये चुनाव किसी एक व्यक्ति विशेष का लिए थोड़ी हो रहा है, ये देश की जनता का चुनाव है, तो देश की जनता के मुद्दे पे चुनाव होगा, मोदी के नाम पे चुनाव नहीं होने जा रहा है। एक व्यक्ति को बनाना है हटाना ये बात उस विषय है ही नहीं, इस बात को सब लोग कह रहे हैं कि स्पष्ट हो जाए। ये हमारा जो देश के लोग हैं ये उनका चुनाव है भाई, उनको चुनना है अपनी सरकार, उन्होंने आकलन किया है। और देश की जनता गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान है, तो उस आधार पे होगा हम लोग अपना नीति क्या बनाएंगे, क्या कार्यक्रम होगा, अपनी बात रखेंगे। कितना अहम दिन मानते हैं 23 तारीख को, कितना अहम दिन मानते हैं, क्योंकि आप लोग पूरे देश में घूमे आप और नीतीश जी, काफी अथक प्रयास किया। बैठक हो रहा है सब लोग इसमें आएंगे, पहला और अंतिम बैठक नहीं होगा, और भी बैठके हैं तो भाई सब लोग मिलेंगे, बात करेंगे क्या नीति होगा। अरविंद केजरीवाल अपना एजेंडा लेकर के आ रहे हैं कि ऑर्डिनेंस को लेकर के जो विपक्ष को रंजन थोड़ा सा पीछे होना, जो भी विपक्ष के दल हैं सब अपनी अपनी बात रखेंगे, अपना अपना तमिलनाडु बीजेपी कह रही है कि आएंगे तो मोदी है, बीजेपी कह रही है कि कुछ भी कर ले आएंगे तो मोदी है, आएंगे तो मोदी है, बीजेपी कह रही है। क्या ले रहा है, जाएंगे मोदी नहीं है? जो आता है वो जाता नहीं है क्या? अरे जो आता है अमृत क्या है क्या कोई दुनिया में? गलत फहमी है, जो पैदा हुआ है उसका मृत्यु तय है, ठीक ठीक। और सत्ता किसी की बखौती नहीं है, जो आता है वो जाता है। हम लोग सत्ता में थे तो कोई सोचता था कि हम लोग चाहे जितना भी एकजुट होने की कोशिश करे तो नेताओं की एकजुटता है, लेकिन इस देश की जनता, इस देशवासी माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए तीसरी बार एकजुट हो चुकी है, और भारी बहुमत के साथ, पिछली बहुमत से भी, पिछली संख्या से भी बड़ी संख्या के साथ बहुत ही एक सशक्त सरकार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देशवासी बनाएंगे।